So having this collection of quotes, having collection of examples, having collection of stories, and using them. Every time I used to write, I used to, you know, go back to the notes, try to add stuff. Meet the brightest mind of the year of the largest democracy. स्ट्रैटेजी मैंने यही रखी कि अपनी जो बेसिक किताबें हैं उनको फॉलो करना, उनका रिवीजन करना, प्रैक्टिस करनी, फिर मैंने आंसर राइटिंग की भी प्रैक्टिस की, तो शायद यही जो मेरी स्ट्रैटेजी थी शायद काम आई। इस बार तीन लड़की टॉप थ्री में रहे, मतलब धीरे-धीरे मतलब फीमेल जो यूपीएससी में आगे आ रहे हैं, क्या सजेस्ट करेंगे या जो प्रिपरेशन में फेल हुए हैं? नहीं, बहुत बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही गर्व का मुझे अनुभव हुआ कि जो टॉप थ्री हैं वो लड़कियां हैं, और ना ही सिर्फ इस क्षेत्र में, हर क्षेत्र में लड़कियां आगे बढ़ रही हैं। जो लोग नहीं सफल हो पाए उनको मैं यही कहूँगी कि आपको अगर इसी में जाने का मन है तो फिर से आप कोशिश करें, जो आपकी गलतियां हैं उनको सुधारें, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। और भी अन्य क्षेत्रों में जो लोग कार्य करना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, उनको भी पूरा प्रोत्साहन देना चाहिए। जब आप इंटरव्यू देने के लिए गए थे, वहाँ के जो क्वेश्चंस वगैरह था, वो क्या डिफिकल्टी था जो आपको नहीं आता था, उसके बाद मतलब क्या ये वो आई थिंक होता ही है, जब घुसते हैं थोड़ा डर लगता है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जो मुझे नहीं आते थे, कुछ मुझे याद है NIA के एक बारे में पूछा था, एक 1812 में कोई युद्ध हुआ था उसके बारे में पूछा था। तो उस समय बस यही होता है कि आप काम रहें, आप आराम से बोल दें कि नहीं मुझे नहीं आता है और अगले प्रश्न पर बढ़ें। तो यही था मेरा एक्सपीरियंस। जो आपके साथी जो सब हैं और जो निराश हुए हैं उनको क्या बोलेंगे? मैं यही कहूँगी कि ये जो सफलता और असफलता है वो एक पार्ट रहता है हर जर्नी का, बस फिर से अपने आप को उठ के खड़ा करें, और अगर ये अटेम्प्ट अगला अटेम्प्ट देना है तो उसमें पूरी अपनी पुरजोर मेहनत दें, उसके अलावा भी अगर किसी क्षेत्र में वो काम करना चाहते हैं तो उसमें भी मेहनत करें, और हमेशा एक सकारात्मक एक दृष्टिकोण रखना चाहिए।